मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे। अब इनकी पार्टी हो रही है खत्म, जहां से इन लोग का खेल खत्म होता है वहां से लालू यादव का खेल शुरू होता है। खेल बचा हुआ है? पूरा बचा हुआ है। क्या खेल बचा है? खत्म होगा। क्या खत्म होगा? इनकी जदयू का ध्वस्त होना है। नीतीश कुमार को कौन काम करने नहीं दिया जा रहा था? पूरा दिन तो काम करते रहते थे, कौन वाला काम करने नहीं दिया जाता था? भर दिन तो काम करिए रहे थे, तो कखने वाला काम नहीं करने दिया जा रहा था? अरे जातीय जनगणना करवाइबे किए, आरक्षण बढ़ेबे किए, मास्टर की बहाली करेबे किए, बेरोक टोक। हाँ, और शिक्षा मंत्री को काम करने नहीं दिया जा रहा था। नीतीश कुमार को कौन काम करने से रोका था? वो दिन रात काम करना चाहते थे। इस उम्र में दिन रात काम नहीं हो पाएगा। अरे चिराग पासवान कहते थे कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है, मांझी जी कहते थे कि मानसिक स्थिति खराब है, भाजपा वाला कहते थे कि पागल हो गया है। तो एक पागल को लोग नेता मान लिए हैं? हम नहीं बोल रहे हैं भाई, मेरा एक भी कथन नहीं चिराग पासवान का, मांझी जी का है, भाजपा वालों का, कि मानसिक स्थिति नीतीश कुमार की खराब हो गई, मतलब पागल हो गए, इलाज की जरूरत। चिराग पासवान बोल रहे थे कि देश हित में हम तो मोदी जी से बोलेंगे कि नीतीश कुमार का इलाज कराया जाए। जदयू के नेताओं से बोलेंगे, चिराग पासवान बोले हैं कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है। जो बात हम एक साल से ज्यादा समय से लगातार बोल रहे थे कि नीतीश कुमार बीजेपी का आदमी है, लालू यादव के साथ रह के भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, अभी बीजेपी में जाएंगे, हम लगातार इस बात को बोल रहे थे, अगर नीतीश जी नहीं जाते तो हम क्या मुंह दिखाते। नीतीश कुमार हमारी लाज रख लिए। बिहार में सरकार बदल गई, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस्तीफा दे दिया है। पटना में पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, नीतीश सबके हैं, सब पर 20 नीतीश। इसी नीतीश कुमार के बारे में बेद जी लगातार कहते रहते थे कि ये बीजेपी के एजेंट हैं और लालू यादव को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने इनको महागठबंधन में भेजा है। और आपकी भविष्यवाणी भी सही हो गई, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? क्या हुआ नहीं पता है? गयो कौन गयो? नीतीश जी क्या हुआ? हम नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार जी। जो बात हम एक साल से ज्यादा समय से लगातार बोल रहे थे कि नीतीश कुमार बीजेपी का आदमी है, लालू यादव के साथ रह के भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, अभी बीजेपी में जाएंगे, हम लगातार इस बात को बोल रहे थे, अगर नीतीश जी नहीं जाते तो हम क्या मुंह दिखाते। नीतीश कुमार हमारी लाज रख लिए, हमारी बात रख लिए, हमको सही साबित किए, इसके लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम कोई भी चीज़ बोलेंगे तो लोग गंभीरता से लेंगे, इसके लिए पहले मिठाई खाई लीजिए। चलिए तो मतलब सरकार बनने खुशी में या फिर कुछ और होने वाला इसके खुशी में? नहीं, पहले मेरी बात सच हुई है। अच्छा, इसके लिए आप सोन पापड़ी खाइए। चलिए थैंक यू, और आप भी थोड़ा खा लीजिए। हम खाएंगे। हाँ, आप खाएगा? नीतीश जी को भी खिलाना है कि नहीं खिलाना है? नीतीश जी को नहीं खिलाइए। अच्छा, हाँ अब आगे बोलिए। जितना तेजी से तवा पे रोटी नहीं पलटता है, उससे अधिक तेजी से ये पलट गए। अब बिहार में खूब चल रहा है, अभी वीडियो में देखने रहा है कि सड़क सड़क के जो चले उसे सरकार कहते हैं, अब बात बात पे जो पलट जाए उसे नीतीश कुमार कहते हैं। अब नीतीश कुमार का क्या होगा? उनकी जो विश्वसनीयता है उसका क्या होगा? वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही। नीतीश कुमार की कोई विश्वसनीयता थी क्या? एगो चीज हुआ नीतीश कुमार के बारे में बोलेंगे, हम लोग के गांव भी सब में कोई आदमी दो ब्याह करता है तो एक पत्नी को बोला जाता है बीही, एगो संगी। पहली वाली को बोला जाता है बीही, अब बाद वाली को संगी, एहन होता है जी। गाय करके हाँ, आप नहीं बोलिएगा, हमको बोलने दीजिए। तो नीतीश कुमार दो ब्याह किए हैं, पहले भाजपा से किए फिर राजद से किए। इसको राजनीतिक विवाह नहीं कहते हैं? हाँ, राजनीतिक विवाह। अच्छा, नीतीश कुमार पॉलिटिकल विवाह दो को किए हैं, पहले भाजपा से किए फिर राजद से किए। तो मन होता है बीही के साथ चल जाते हैं, मन होता है संघी के साथ चल जाते हैं, ये हो लोग स्वीकार कर लेते हैं, तो गलत ये लोग नहीं है क्या? अच्छा हाँ हाँ भाई, विश्वास करिएगा तब ना धोखा होगा, विश्वास क्यों करते हैं आप, ये भी तो सवाल है। हाँ, कहते थे हमारा घुटने पे गिर गया। अरे चिराग पासवान कहते थे कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है, मांझी जी कहते थे कि मानसिक स्थिति खराब है, भाजपा वाला कहते थे कि पागल हो गया है। तो एक पागल को लोग नेता मान लिए हैं? हम नहीं बोल रहे हैं भाई, मेरा एक भी कथन नहीं चिराग पासवान का, मांझी जी का है, भाजपा वालों का, कि मानसिक स्थिति नीतीश कुमार की खराब हो गई, मतलब पागल हो गए, इलाज की जरूरत। चिराग पासवान बोल रहे थे कि देश हित में हम तो मोदी जी से बोलेंगे
कि नीतीश कुमार का इलाज कराया जाए। जदयू के नेताओं से बोलेंगे, चिराग पासवान बोले हैं कि नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है। अब चिराग का क्या होगा? चिराग का ऑपरेशन होगा। मांझी जी का क्या होगा? मांझी जी कितना अपमान किए थे। मांझी जी को जरा सा भी सम्मान आत्मसम्मान है उनमें तो साथ छोड़ दे। कहे कि मांझी जी को नीतीश कुमार क्या बोले थे कि तुमको मुख्यमंत्री हम बनाए, ये हमारी मूर्खता थी। तुमको जानता कौन था, तो अपनी पार्टी को बिलय करो। मतलब रोते हुए मांझी निकले थे। और आप साथ में चाय बैठ के पियेंगे? आज चाय पियेंगे मुख्यमंत्री के ये लोग। अब जितना लोग को नीतीश कुमार धोखा दिए हैं, सब लोग मिल के नीतीश कुमार को एक गांव कहावत नहीं था सर कि हम इसको निकाल रहे हैं समाज से, इसको निकाल रहे हैं समाज से, अंत पता लगा अकेले बचे हैं, बाकी सब एक हो गया, खुद निकल गया, यही हाल हो गया। ये है क्या है, अब तो पहले देखिए क्या था बिहार में, जो सरकार अभी तक चल रही थी इसमें चचा कौन थे? चचा तो यही थे, नाम बोलिए, डर लगता है जी। अभी तक जो बिहार में सरकार चल रही थी तो चचा नीतीश कुमार थे, भतीजा तेजस्वी यादव हैं, अब चचा मोदी हैं, भतीजा नीतीश कुमार हैं। क्या बात, जनरेशन चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। मोदी जी के इशारे पे नीतीश कुमार चलेंगे। अब एक दुख सवाल लेते हैं सीरियस। नीतीश जी अभी आरोप लगाए हैं कि जो है स्थिति ठीक नहीं थी, उनका बयान है आज का, और हमको काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा था। नीतीश कुमार को कौन काम करने नहीं दिया जा रहा था? पूरा दिन तो काम करते रहते थे, कौन वाला काम करने नहीं दिया जाता था? भर दिन तो काम करिए रहे थे, तो कखने वाला काम नहीं करने दिया जा रहा था? अरे जातीय जनगणना करवाइबे किए, आरक्षण बढ़ेबे किए, मास्टर की बहाली करेबे किए, बेरोक टोक, हाँ, और शिक्षा मंत्री को काम करने नहीं दिया जा रहा था। नीतीश कुमार को कौन काम करने से रोका था? वो दिन रात काम करना चाहते थे, तो इस उम्र में दिन रात काम नहीं हो पाएगा। आप लोग 18 घंटे चाह रहे थे मोदी जी जैसा, 18 घंटे हाँ। मोदी जी में ज्यादा स्टेमिना है, देखते पत्रकार उनसे पूछते हैं कौन सा टॉनिक लेते हैं, नीतीश जी टॉनिक में नहीं लेते हैं। अरे हम नीतीश कुमार कितना घटिया बयान दिए सदन में, तो भाजपा की विधायक बोल रही थी कि लग रहा था हम क्या करें, नहीं बोल रही थी, रो रही थी, रो रही थी। अब क्या कहेगी नीतीश जी, ठीक है बोले थे हाँ? उसी बयान पर चिराग बोले कि इलाज की जरूरत है, और नीतीश जी बोले क्या कि मेरी मूर्खता थी कि हम जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए, मतलब हम मूर्ख थे। एक और अंदर की खबर है, उनका उनके विधायक या उनके जो नेता अंदर है, वाला बात मत बोलिए। अच्छा नहीं तो नीतीश जी का बयान याद आ जाता है, पहले नीतीश जी की रैली में भीड़ उड़ने आती थी, लेकिन जब से वो अंदर बाहर वाला बयान दिए हैं नीतीश जी की रैली में भीड़ आने लगी कि फिर वैसा का कुछ बोलेंगे, मजा आएगा, इंटरटेनर हो गए हाँ। गंभीरता खत्म खत्म। सम्राट चौधरी चौधरी पगड़िया क्या होगा सेन, पूछिए क्या होगा, वह पूछ रहे हैं क्या होगा। बोले थे नीतीश कुमार वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, वो अभिजय सिन्हा दो दो डिप्टी सीएम। बोले थे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाएंगे तभी पगड़ी खोलेंगे, क्या करेंगे उनसे पूछिए। अरे बिहार की जनता बेवकूफ बन रही है, कखनो एक ढोकड़ी में रखेंगे ज्वाइनिंग लेटर, एक रिजाइनिंग लेटर, सीएम स्क्रिप्ट सब बार हाँ। अब हर बार यह बतिया बोलते हैं कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा था, हमको काम करने नहीं दिया जा रहा, कितना काम वाला हो गए हैं, कितना काम है कि कामें नहीं करने दिया जा रहा था। सुनिए ना, देखिए ये भाजपा से अलग होते हैं तो कहते हैं भाजपा वाला काम करने नहीं दे रहा था, राजद से अलग होते हैं तो राजद वाला काम करने नहीं दे रहा था, ये आदमी डिस्टर्ब हो गए हैं। ये कहते हैं बिहार के हित में कुछ करेंगे, अपना हित में कुछ करेंगे, कुर्सी हित में कुछ करेंगे। अब इनकी पार्टी हो रही है ख़त्म, जहाँ से इन लोग का खेल खत्म होता है वहाँ से लालू यादव का खेल शुरू होता है। खेल बचा हुआ है, पूरा बचा हुआ है। क्या खेल बचा है? खत्म होगा। क्या खत्म होगा? इनकी जदयू का ध्वस्त होना है। कैसे? नीतीश कुमार की उम्र क्या है, खत्म हो गई अब राजनीतिक उम्र। अच्छा पार्टियां खत्म होगा इनके, नीतीश कुमार के आधा से ज्यादा विधायक राजद में जाएंगे, बाकी बचल भाजपा में जाएंगे। भविष्यवाणी कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं, भविष्यवाणी सही बोल रहे हैं। अब देखिए कितना जो है चमक रहा है चेहरा नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का पुरान काम फोटो लगल है जी, नहीं का है? अच्छा ये पुरान का है, उस समय का है। अच्छा जब देखिए लालू साथ थे, अब मोदी के शरण में आ गए ना। अरे पोस्टर देखे मोदी के शरण में आ गए नीतीश कुमार, कह रहे थे संविधान को खतरा है, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे।
इनके बाबूजी को फंसा दिया गया, ऐसे बोल रहे थे नीतीश कुमार, नहीं बोल रहे थे चाचा एने हो नीतीश जी, नहीं बोल रहे थे हाँ, कौची बोल रहे थे कि इनके पिताजी को फंसा दिए, हाँ लालू जी को फंसा दिए, अब अखने की बोल रहे थे अभी तो देखिए रहे हैं कि पलटी मार रहे हैं लोटा की तरह, ई पट्टी से उ पट्टी होते रहे, लोटा हो गए नीतीश जी, छवि तो खराब है ना है, बिना पेनी वाला लोटा यार, नीतीश जी बिना पेनी वाला लोटा बने हुए हैं के नीतीश कुमार, खास के बोलिए नीतीश कुमार बिना पेनी का लोटा बने हुए हैं, जादव जी लग रहे आप जादव हैं जी, बोलिए पलटा सुर हो गए हो के पलटा सुर, नीतीश कुमार भस्मा सुरा बोल रहे पलटा सुर, सही बात है बार बार देखिए समझिए उसका कोई ठुए ठिकाने नहीं, कभी इधर कभी उधर, सही बात बोल रहे कभी इस जिम में मतलब कि रिजाइनिंग वाला रखते हैं, इस जिम में ज्वाइनिंग वाला रख रहे हैं, अच्छा इधर से हटाते हैं उधर डालते हैं, अनुशासन नीतीश ये नहीं बोल सकते हैं कि हम पर हावी हुआ, अच्छा नीतीश ने जो चाहा लालू ने वो किया, नीतीश ने कहा कि मंत्रालय बदलो, लालू ने मंत्रालय बदला, नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर यादव पर थोप दिया, के पाठक 21 दिन तक मंत्रालय विभाग नहीं गए, ऑफिस नहीं गए, चुप रहे, जो करना है के पाठक करेगा, चंद्रशेखर कुछ नहीं किए, तो इतना दबा हुआ था राजद फिर भी बर्दाश्त कर रहा, राजद वाले बर्दाश्त करे थे नीतीश कुमार, ब्लास्ट करेगा राजद अब करेगा, खतरनाक ढंग से करेगा, क्या खबर है आपके पास अंदर की, राजद तोड़ रहा है जदयू को, टूट जाएगा जदयू, टूट जाएगा पर पता चल जाएगा, फ्लोर पर पता चल जाएगा, अभी भी खेल बचा हुआ है, बचल है अभी, हो बिहार के जनता जो है ना, सरकार नीतीश की पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या आपको क्या आकलन है, अगर लालू जी खेला कर दिए तो नहीं कंप्लीट कर पाएगी, तो आप जो है बताइए तो आकरा होना चाहिए, आकरा सुनिए ना, शेर अकेले आता है, शेर अकेले आता है, मोदी शेर है, यहाँ बिहार में क्या ढेर हो गया, कैगो चाहिए, चिराग चाहिए, पशुपति चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा चाहिए, मुकेश सहनी चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए, मांझी चाहिए, कैगो हो गया, तब ना 40 हो गया, तो शेर भेड़िया हो गया, शेर भेड़िया हो गया, तो 40 चाहिए ना उसको भाई, अरे 40 है, 6 को 7 को गठबंधन, सुनिए ना एक और पोस्ट, 7 पार्टी के साथ आइएगा तो शेर अकेला कहाँ है, शेर बिहार में ढेर है, एक और सवाल है, चले थे राम को लाने, हाँ। जो संजय रावत बोले हर बात है, हम नीतीश कुमार को पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं, पूछिए क्यों, अरे एक बार और लीजिए, एक और लीजिए, अब का है टीवी अखबार में क्या खबर चल रही थी, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, अयोध्या अयोध्या अयोध्या, एक के खबर, यहाँ से फूल आ रहा है, वहाँ से पत्ती आ रहा है, वहाँ से आइटा आ रहा है, वहाँ से पत्थर आ रहा है, वहाँ से अगरबत्ती आ रहा है, वहाँ से धूप आ रहा है, सब मीडिया वाले मेन स्ट्रीम मीडिया वाले उछल रहे थे कहाँ, अयोध्या में, उनको नीतीश कुमार ने कहाँ ला दिया, बिहार में टीवी अखबार से राम मंदिर की खबर को गायब कर दिया नीतीश कुमार, लीजिए मिठाई खाइए, तो राम को लाने वाले पलटू राम को ले आए, तो राम को लाने वाले पलटू राम को ला दिया, पलटू राम क्या कर दिए, देख लीजिए नीतीश कुमार की ताकत, कि पूरा मोदी मीडिया लगल था कि एक के खबर चलाएंगे राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, हो सकता है कि लालू जी कहे होंगे, कैसे होगा हो नीतीश, सुनिए ना अभी भी जो है बहुत संख्या, नीतीश जितने भेज दिए कि जाओ, अच्छा एक आखिरी सवाल लेते हैं, अरे एक आखिरी सवाल लेते हैं कि क्या अभी भी संभावना है नीतीश के मुख्यमंत्री बनने का, ये कुमार इतना इसे इसे अलटते पलटते हैं तो फिर पलट जाएंगे तो कौन बड़ी बात है, नहीं नहीं जब पलटी किए हुए क्या तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, जदयू खत्म, मांझे जी आ सकते हैं, अरे जेडीयू ही खत्म होगी, लालू यादव काहेल यादव के नेता है, जितने भाजपा में जदयू में यादव विधायक है तोड़ ले तो मानेंगे कि यादव के नेता है, इधर कांग्रेस वाला सवर्ण को तोड़ रहा है बीजेपी, तब कांग्रेस से ज्यादा जदयू भाजपा तोड़ लीजिएगा, तोड़ा तोड़ी होने है, अरे सतपाल मलिक क्या बोले थे कि सत्ता में आने के लिए मोदी जी क्या कर दिए, हम बोलेंगे नहीं, तब तोड़ा तोड़ी करेंगे, अब पहले नहीं तोड़े हैं क्या, वीआईपी को तोड़िए लिए, AIMIM को तोड़िए लिए, जब वो बुरा नहीं तो ये बुरा कैसे होगा, एक बार ऑपरेशन शुरू वही होगा दिया जाए, ऑपरेशन जेडीयू, ऑपरेशन जेडीयू, ललन सिंह डॉक्टर डॉक्टर बोलिए, ललन सिंह वो एहन बोले थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, कहाँ कहाँ है आप नहीं जानते हैं, अब हम जानते हैं, दांत बाहर कट रहा है, अब देखिए